News 18, India. हल्द्वानी में हिंसा के बाद तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद है, साथ ही कर्फ्यू भी तीसरे दिन कोई ढील नहीं दी गई है। बनभूलपुरा इलाका जहां हिंसा हुई थी उसे 5 सुपर जोन में बांटा गया है। आज भी कर्फ्यू में ढील नहीं है और अगले आदेश तक हल्द्वानी में कर्फ्यू रहेगा। आज भी इंटरनेट सेवा बंद है लेकिन स्थिति कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी दंगाइयों से होगी। और जो इलाका है जहां पर तनाव था उसको 5 जोन में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा वहां पर पुख्ता है। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एनआईए की कई जगह पर छापेमारी जारी है। कार सिलेंडर बम व धमाके के मामले में एनआईए की यह छापेमारी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज न्यूज़18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं तमिलनाडु के कोयम्बतूर से, जहां पर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कई जगह छापे मार रही है। कोयम्बतूर में ये छापेमारी चल रही है और कई इलाके ऐसे हैं। दरअसल कार सिलेंडर बम धमाके के मामले में एनआईए की छापेमारी है और माना यह जा रहा है कि एनआईए के हाथ इस छापेमारी में अहम सबूत लग सकते हैं।